Hello everyone. In the series of Transfer of Property Act, today we are going to discuss Section 17 of this Act. Section 17 बात करता है Direction for Accumulation. Direction for Accumulation का मतलब क्या होता है? पहले ये समझते हैं. Direction for Accumulation का मतलब है कि अगर इस property से जो property sale हो रही है, mortgage, lease, किसी भी तरह का transfer किसी भी property का हो रहा है, तो उस property से जो income आ रही है, उस income को या तो आप जिस transferer है उसकी लाइफ टाइम तक उस पर्सन को दो, या फिर जो जिस पर्सन को वो ऑथराइज करेंगे इस पर्सन को देनी है, या फिर जिस दिन ट्रांसफर इफेक्ट में आया है उस दिन से 18 साल तक उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो ट्रांसफरर को मिले, या फिर जिस पर्सन को ट्रांसफरर ऑथराइज करे उसको मिले. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर डीड बनाई जाए और ट्रांसफर डीड में ए जो पर्सन है, जो ट्रांसफरर है, वो एक कंडीशन डाल दे कि इस इनकम से जो प्रॉपर्टी होगी वो मेरे मरने तक ये जो इनकम मिलेगी इस प्रॉपर्टी से वो मेरे पास ट्रांसफर होगी. तो ऐसी एक कंडीशन इम्पोज कर सकता है, ये रूल अलाउड है. ये सेक्शन जो 11 है अपना, रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, आपने किसी पर्सन के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसके बेनिफिट के लिए इंटरेस्ट किया, उसको जो एंजॉयमेंट लेना था प्रॉपर्टी का उसके लिए आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का वॉयलेशन हो रहा है, बट फिर भी ये अलाउड है. ये स्पेसिफिक एक सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 17. तो अगर कोई प्रॉपर्टी से जो डेब्ट आ रहा है, जो इनकम आ रही है, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो रेंट आ रहा है, उनको अगर आप चाहते हो अपने यूज़ के लिए, तो आप ऐसी कंडीशन, एक सेल डीड, जो भी डीड बनी है, ट्रांसफर डीड बनी है, उस डीड में ये कंडीशन डाल सकते हैं और ये कंडीशन वैलिड होगी. अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 17 में क्या है. सेक्शन 17 बात कर रहा है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन. Where the terms of a transfer of property direct that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than. Section 17 में बात करी कि जो property से income होगी, सपोज मान लीजिए एक property है, ये घर है, इस घर में अगर किसी को आपने rent में दिया इस घर को, तो अगर इस property से जो rent आ रहा है और वो एक condition डाल दे कि इस rent का इतना part या फिर पूरा टोटल अमाउंट ऑफ द रेंट या फिर सर्टेन पार्ट ऑफ दैट अमाउंट वो किस पर्सन को देनी है, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर. अगर ऐसी टर्म्स बनी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, आप जब डीड बना रहे हैं उसमें, कि जो इनकम हो रही है ना, या तो वो पूरी या फिर वो थोड़ी, उसका पार्ट, टोटल का कुछ पार्ट, या तो जब तक लाइफ ऑफ ट्रांसफरर है, जब तक ट्रांसफरर जिंदा है, जो ए पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो जिंदा है, या फिर पीरियड ऑफ 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर इफेक्ट में आया है उस दिन से 18 साल तक, सच डायरेक्शन शेल सेव हेयर इन आफ्टर एज प्रोवाइडेड. तो वो जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे मानी जाएगी, be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid period. जब तक कि वो exceed नहीं करेगा इन दो situations में, तब तक तो वो valid है, लेकिन अगर वो exceed कर देता है तो फिर वो void हो जाएगा. ये बात कहना चाह रहा है. Suppose मान लीजिए कि जो person है उसकी death हो चुकी है, तो उसकी death हो चुकी है और प्रॉपर्टी जिस दिन ट्रांसफर हुई थी उससे 19 साल पूरे हो चुके हैं आज की डेट में, और आज डेथ हो गई है, तो जैसे ही डेथ हुई है तो ट्रांसफरर की लाइफ एंड हो गई है, तो अब इस प्रॉपर्टी से जो इनकम जाएगी वो उस ट्रांसफरर को नहीं जाएगी. लेकिन फिर भी वो कोई ऐसी कंडीशन लगा रहा है कि मेरी डेथ के बाद भी जाती रहे और ऐसा होता रहे, तो वो कंडीशन वॉइड होगी, वो नहीं होगा. या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आज प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, मेरी डेथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के 10 साल में हो जाती है, तो 10 साल में होने के बाद भी 18 साल जब तक नहीं होंगे और जब तक मैं उसमें कंडीशन डाल दूं कि वो जो प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो मेरे पास आनी चाहिए या फिर मेरे लीगल हेयर्स के पास आनी चाहिए, तो वो 18 साल तक मेरे पास आएगी, 18 साल के बाद ही वो मेरे पास नहीं आएगी, उससे पहले वो मेरे पास आएगी, तब तक की वो कंडीशन वैलिड रहेगी अगर 18 साल से पहले की बात रहती है तो. एंड एट द एंड ऑफ सच लास्ट मेंशन पीरियड the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made has had elapsed.
तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो एक्यूमुलेशन की जो कंडीशन है वो खत्म हो चुकी है, तो वैसे जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहेगा जो पर्सन है, जो ट्रांसफरर है, जिसके पास अब प्रॉपर्टी है, वो उसके अकॉर्डिंग कैसे भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है। अब हम इस सेक्शन में बात करेंगे आगे, कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि कब कब ऐसा कंडीशन आएगी कि ट्रांसफरर की लाइफ भी एंड हो जाए, प्रॉपर्टी के 18 साल भी टाइम खत्म हो जाए, फिर भी अगर आपको ट्रांसफर करना पड़े उस प्रॉपर्टी की इनकम को, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जब भी इनकम जो है वो ट्रांसफर होगी। तो पहली है कि दिस सेक्शन शेल नॉट अफेक्ट एनी डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक्सेप्शन दिए हुए हैं इस सेक्शन 17 के ही कि कब इनकम ट्रांसफर होगी। पेमेंट ऑफ द डेब्ट ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेकिंग इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफरर, अगर ट्रांसफरर जो ए पर्सन है उसने जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और उसने कोई डेब्ट ले रखे हैं, कोई उधार ले रखा है और उसका चुकता करना है, उसका पेमेंट करना है, उधार का उस डेब्ट का पेमेंट करना है, तो अगर चाहे वो जो ट्रांसफरर है ए उसकी लाइफ एंड हो जाए, या फिर प्रॉपर्टी जिस दिन ट्रांसफर हुई थी उसके 18 साल बाद तक भी उसका पेमेंट नहीं हो, तो भी ये कंडीशन चलती रहेगी और जब तक पेमेंट पूरा नहीं होगा उस डेब्ट का, तब तक ये जो पेमेंट जो प्रॉफिट है वो देते डेब्ट पेमेंट करने में जाएगा, जो इनकम है उस प्रॉपर्टी की वो डेब्ट पेमेंट करने में जाएगी। दूसरा बोलता है द प्रोविजन और पोर्शन ऑफ फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इश्यू ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेकिंग इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, अगर कोई कंडीशन डाल दे कि ये जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनका यहाँ पे इंटरेस्ट जो है उनको जब तक वो जिंदा है उनके लिए बेनिफिट के लिए आपको ये इनकम जो यह है यूज करनी है, तो जब तक वो बच्चे हैं या रिमोटर इशू मतलब क्लास ऑफ चिल्ड्रन, तो वो बच्चे या फिर क्लास ऑफ चिल्ड्रन जो भी हैं, तब तक जब तक वो जिंदा हैं, जब तक वो पैदा होंगे, जब तक रहेंगे, तब तक उनसे जिस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो उनके बेनिफिट के लिए जाएगी। थर्ड बात करता है द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, अगर प्रॉपर्टी में मान लीजिए कुछ जरूरत है मेंटेनेंस की या प्रिजर्वेशन की, कुछ खराबी है सही कराने की, तो वो इनकम उस जगह भी इम्पोज लगती जाएगी, उस जगह भी उस इनकम का यूज होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।